दो राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद होने वाला है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तैयारियों में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही गुरुवार यानी 10 तारीख को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मदरसा शिक्षकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया। जहां विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया, वहीं सत्ता पक्ष ने इसकी सराहना की। इस मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है, उससे लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के मदरसों में डीएड शिक्षकों को दिए जा रहे 6000 रुपए प्रतिमाह वेतन को बढ़ाकर 16000 रुपए प्रतिमाह करने और बीए बीएड बीएससी आदि डिग्रियों के साथ माध्यमिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन 8000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। मुस्लिम समुदाय के हित में लिए गए राज्य सरकार के ये निर्णय विपक्षी दल शिवसेना यानी यूबीटी को रास नहीं आ रहे। इसके प्रवक्ता संजय राउत ने पत्रकारों के इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि लाडली बहन योजना तथा मौलाना आजाद आर्थिक विकास निगम संबंधी निर्णय तथा मदरसों के शिक्षकों के वेतन बढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वोट जिहाद नहीं है? क्या ये वोट के लिए नहीं किया जा रहा? राउत ने कहा कि मदरसों के शिक्षकों का वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन यही चीज हम लोग करते तो ये लोग कहते कि ये वोट जिहाद है। अब मेरा सवाल है कि इन लोगों ने क्या किया है? महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में नर्सरी शुरू करने की बात कही है। सिडको कॉरपोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए गए जमीनों को कब्जे के अधिकार में बदल दिया जाएगा। केंद्र सरकार की एग्रीस्टार योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने बाला साहब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र को अतिरिक्त धनराशि देने की बात कही। बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी परियोजना को मंजूरी मिली है। धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए बोरीवली तालुका में जमीन दी जाएगी। इसके अलावा शिंदे सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। भेंडेल बस्ती परियोजना जल आपूर्ति विभाग को हस्तांतरित करने की बात कही गई है। अंबेडकर नगर में मलिन बस्ती पुनर्वास के लिए निजी जमीन का मुआवजा मिलेगा। मराठवाड़ा के स्कूलों को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आदर्श विद्यालय योजना में अनुदान। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार एवं कौशल विकास कंपनी बनाई जाएगी। जालना से नांदेड़ तक समृद्धि हाईवे को जोड़ने वाले एक्सप्रेस को मंजूरी दी गई है। आपदा शमन कार्य अब स्थानीय निकायों के माध्यम से होंगे। खेल के मैदान के लिए रहटा तालुका में कृषि निगम की भूमि दर्जी गवली लड़साखी वाणी लोहार नाथ पंथिया समाज के लिए निगम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में सुलभ शौचालय की सुविधा दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने ये सब सौगात अपनी जनता के लिए दी है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में पत्रकारों और घर घर समाचार पत्र पहुंचाने वाले हॉकर्स के लिए दो अलग अलग नियमों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े फैसले किए। अब देखने वाली बात होगी कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस फैसले के बाद कितना प्रभाव देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।